वही टीम आकर अमेठी से चुनाव लड़ा है और वही बात अब यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से ऊपर आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में रहे हैं नीचे से लेकर राहुल जी से लेकर और हमारे आदरणीय राजीव गांधी से लेकर संजय जाटी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी अब कार्यकर्ता को जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो, स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को SC ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ये क्या है प्रताड़ना की कर। जब आएंगी स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थे, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय इस तरीके का नहीं हुआ। और आप एक तो जनता से झूठ बोलती हो कि कमल का बटन दबाइए और 13 रुपये किलो चीनी ले लीजिए, तो 13 रुपये की चीनी मिली आप लोगों के, बताओ भैया अमेठी के लोग आप सब लोग पुलिस 13 रुपये वाली चीनी के झूठ बोलने के लिए जनता को भ्रमित करने के लिए आप ये कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, कितना बोला होगा नौकरी के लिए बात बोली, कल कारखाने के लिए बात बोली गई, कहाँ है सब, सब बंद होते जा रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। अब वो ये मैं कहना चाहूँगा, कान खोल कर सुन लें, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को अगर ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यूथ कांग्रेस और अगर हमारे हमारे कार्यकर्ताओं वो अगर इस तरीके से फंसाया जा रहा है SC ST एक्ट में, मैं यहाँ के प्रशासन से कहना चाहूँगा तो उतना ही दबाव में काम करिए जो सही हो। अगर गलत अत्याचार के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को आप गलत मुकदमे में फंसाएंगे तो आप निश्चित तौर से इस पे कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी। मैं कहना चाहूँगा कि तत्काल ऐसे मुकदमे इनके ऊपर से हटाए जाए, तत्काल जो इस तरह के गलत फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं प्रताड़ित करने के लिए, सरकार में मांग करता हूँ, डिमांड करता हूँ प्रदेश सरकार से, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से मिटी के, कि तत्काल ऐसे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे शुभम सिंह पर यूथ कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष पर लगाई गई है, तत्काल इस मुकदमे को वापस ले, अन्यथा हम